दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाय दोस्तों, रामगढ़ टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कुछ दिन पहले मैं अपने चैनल पर एक वीडियो बना के डाला था जिसमें बिहार पुलिस की तरफ से सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकाला गया था, लेकिन फिर से बिहार पुलिस की तरफ से कांस्टेबल और फायरमैन का यहां पे पोस्ट निकाल दिया गया और इसमें जो टोटल पोस्ट संख्या जो बताया जा रहा है 11,865 पोस्ट यहाँ पे निकाल दिया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी का अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, एजुकेशन क्या होगा और एज लिमिट, फीस वगैरह क्या क्या होगी। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते। मेरा नाम शाकिब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रामगढ़ टैग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पोस्ट का जो अपडेट निकला है बिहार पुलिस की तरफ से निकाल दिया गया है, जिसमें पोस्ट का नाम कांस्टेबल और फायरमैन बताया जा रहा है। इसका जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट बताया जा रहा है 28 मई 2018 से स्टार्ट किया जाएगा और आखिरी डेट 30 जून 2018 बताया जा रहा है। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया। इसमें जो फीस लगेगा दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जनरल ओबीसी को 450, एसटीएससी को 112 रुपया यहाँ पे लगेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो होगा वो बिहार होगा। एज लिमिट जो इसमें बताया गया है 1 जनवरी 2018 में, जनरल को 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बीसी ईबीसी वन में यहाँ पे मेल अगर आप अप्लाई करते हैं तो 18 से 27 साल तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आप ओबीसी है तो 27 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और अगर फीमेल में अगर आप आते हैं तो आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एसटीएससी लोग यहाँ पे 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एसटीएससी को जो छूट मिलेगा वो 5 साल का छूट दिया जाएगा। टोटल पोस्ट संख्या जो यहाँ पे निकल कर आया आप देख सकते हैं 11,865 पोस्ट यहाँ पे निकला है, जिसमें पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं कॉन्स्टेबल एंड फायरमैन बताया जा रहा है। कॉन्स्टेबल के लिए जो टोटल सीट बनाई गई है 9,900 यहाँ पे सीट बनाई गई है और फायरमैन के लिए जो सीट बनाई गई है 1,965 यहाँ पे बनाई गई है। पे स्केल जो यहाँ बताया गया है 5200 से 20,200 प्लस 18 ग्रेड पे यहाँ पे बताया जा रहा है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसका होगा वो 12 पास यहाँ पे मांगा गया है कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से। फिजिकल फिटनेस जो यहाँ बताया गया है, रनिंग जो आपको दौड़ करना होगा पुरुषों को 1600 मील 6 मिनट में दौड़ करना होगा और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में बताया गया है। चेस्ट यहाँ पे जो मेल को मांगा गया है 81 से 86 सेंटीमीटर, एसटीएससी 79 से 84 सेंटीमीटर मांगा गया, फीमेल के लिए नहीं है। हाई जंप यहाँ पे देख सकते हैं मेल को 4 फीट मांगा गया, फीमेल को 3 फीट। लॉन्ग जंप मेल को 4 फीट, फीमेल को 3 फीट। गोला फेंक यहाँ पे देख सकते हैं मेल को 16 पाउंड 16 फीट, फीमेल को 12 पाउंड 10 फीट। हाइट जो यहाँ पे मेल को मांगा गया है यूआर ओबीसी को 165 सेंटीमीटर और बीसी वन में अगर आप आते हैं तो 162 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया। एसटीएससी को 160 सेंटीमीटर मांगा गया, अगर आप गोरखा में आते हैं तो 158 सेंटीमीटर मांगा गया और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर बनाया गया है। तो अगर फीमेल अगर आप कोई भी कैटेगरी में आते हैं फीमेल तो 155 सेंटीमीटर में आपको ले लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ बताया गया है आप देख सकते हैं, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट आपको यहाँ पे देना होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसका सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही कमाल की रोज़ाना वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।